स्वरूपा माता कामाख्या की जय। श्री गुरु माता की जय। सभी संतों की जय। गौ माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महा दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर बाबा और माँ के सजाए इस दरबार में उस पहली सीढ़ी पर कदम रखने पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसका आपको जन्मों से इंतजार है।
मानव जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, उसी इच्छा के आधार पर हमारा जन्म होता है। वो अलग बात है कि हमारी वो इच्छा जन्म लेने के बाद दबी रहती है और बुढ़ापे में आकर के वो हिलोरे मारती है। लगता सब कर लिया, अब ये भी कर लें जिसके लिए आए थे। दो रास्ते हैं, दो तरह का चुनाव आपके सामने रहता है अपने जीवन में, तीसरा रास्ता नहीं। एक रास्ता है ऐसे ढाल पे आधा जीवन उतरना है और आधा जीवन ढाल से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना है, बच्चा खुचा जीवन। दूसरा रास्ता है पहला आधा जीवन यात्रा चढ़ाई करनी है, फिर बाकी का बच्चा जीवन आधा सरकना है नीचे। अक्सर लोग जवानी में चुनना चाहते हैं सरल जीवन, ढलान वाला। आधी शरीर यात्रा ढलान पे उतर गए, आराम से लड़कते चले गए, खाते पीते मौज करते, और जब शरीर में शक्ति नहीं बची तो चढ़ाई है इसके बाद आधा जीवन यात्रा, चढ़ नहीं पाते। बिरला ही होता जो चढ़ पाता नहीं, बीच रास्ते में ढुलंग के नीचे आ जाता। और जो अपनी जवानी में और जीवन यात्रा के पहले आधे चरण में चढ़ाई का यात्रा चुनते हैं, चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू करते हैं, वो पथ चुनते हैं कि पहले चढ़ना है जीवन के आधे हिस्से में, फिर उतरने वाला हमारा रास्ता मिलेगा ढाल वाला जिसमें शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। यह हम देख रहे हैं इसमें वही लोग ज़्यादा हैं जो चढ़ना चाहते हैं। अभी तमाम नौयुवक बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, इनमें दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा हैं जिन्होंने चढ़ने का रास्ता पहले चुना है, चढ़ाई का रास्ता पहले चुना। आधा जो भाग होगा वो काफ़ी सुगम होगा। फिर जैसे आदमी सोचता ना कि पहले खूब कमा मा लें, अच्छे से पैसा जमा कर लें, बुढ़ापा आराम से कटेगा, तो खूब श्रम करता है, खूब श्रम करता है। कुछ होता है कि खूब धन धान ने रखा है, माता पिता ने दिया हुआ है, अरे पहले मौज करते खाते, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा, बेचारे फंस जाते। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी जवानी में जीवन यात्रा आदि होने के पहले ही इस रास्ते को चुना है कि पहले चढ़ाई चढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, सारा श्रम करेंगे, सारे उपक्रम करेंगे, सारे हम पराक्रम करेंगे और फिर हासिल करेंगे, उसके बाद ढलान वाले यात्रा पे आराम से चलेंगे। जब हमने ये आश्रम बनाना शुरू किया था तो हमारे मित्र लोग कहते थे, हमारे जो साधक मित्र थे वो भी कहते थे, क्या पागलपन है, अरे फैक्ट्री लगाते, मील लगाते, कोई बड़ा कारखाना लगाते, अभी से आश्रम, अभी तो ठीक से जवानी भी नहीं आई, अभी आश्रम, पागल है। जब आपको आपके चलते हुए रास्ते में अगल बगल वाले खड़े लोग बोलने लगे पागल जा रहा है, समझ लेना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम सही रास्ता। ये अनुभव है मेरा निजी, जिस रास्ते पर चले हो लोग कह रहे पागलपन है इसका, पागल है ये, बस समझो एकदम सटीक रास्ता, और गति पकड़ लो और स्पीड बढ़ा लो। पागल लोग ही कहीं पहुंचते हैं, पागल शब्द का अर्थ समझते क्या होता है,
पागलवाने क्या होता है पता है? पागलवाने क्या होता है? जो दूसरे के बनाए रास्ते पे ना चले उसे लोग पागल कहते हैं। जो अपना रास्ता खुद बनाता है उसकी गिनती महापागलों में होती है, और बाद में लोग उसी पागल के बनाए रास्ते पे चलते हैं। अद्भुत है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते, हम भी सुनते रहते, बहुत आनंद आता है कि रास्ता बिल्कुल सही चल रहा है। जीवन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो इच्छा विचार आशाओं में से सही की इच्छा करता है, सही चीज का विचार करता है और सही चीज की एक्सपेक्टेशन करता है, आशाएं करता है। वही व्यक्ति किसी मुकाम पे, किसी मंजिल पे, किसी लक्ष्य पे अपने गोल को प्राप्त होता है। अनावश्यक इच्छाएं तो बहुत हैं, दिन रात चलती रहती है। समझदार व्यक्ति वही है जो इच्छाओं में से सही इच्छा का चुनाव कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही इच्छा का चुनाव किया है, बाबा के शरण में आप हैं, सही इच्छा का चुनाव किया है। अब उसी के अनुसार विचार चलेंगे, उसी के अनुसार एक्सपेक्टेशन रहेंगी, उसी के अनुसार आपके परिणाम आएंगे, उसी के अनुसार आपको अनुभव होंगे, उसी के अनुसार लोग आपका अनुसरण करने वाले लोग तैयार होंगे और आप प्रमाणित हो जाएंगे। आपको अनुभव हुआ, लोगों को प्रमाण मिला, प्रमाण मिलते ही लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब तक प्रमाण नहीं मिलता, पिता भी पुत्र, जो पिता पुत्र का रिश्ता होता है ना, पुत्र पिता को स्वीकार नहीं करता। जब प्रमाण मिल जाता है पिता से, वाकई में मेरा संरक्षक है और वाकई में मेरा पिता है, वात्सल्य इसका मुझे पूरा मिलता है, मेरे रहने खाने का, मेरे जो प्रगति का, मेरे जो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में मेरा ये ध्यान रखता है, पिता का मतलब पालने वाला, तो विश्वास होता है वाकई में मेरा पिता। तो जो सही की इच्छा आपने की उसके लिए आप सभी को वाकई में बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप सही इच्छा का चुनाव किया आपने। और अभी तो मंत्र दीक्षा का पड़ाव है, इसके आगे फिर तंत्र दीक्षा है, उसे 21 सोपान है, 5 में मंत्र दीक्षा होती, बाकी के 16 जो है वो यंत्र काम करता है। तो मंत्र भी हो गया, तंत्र भी हो गया, और फिर यंत्र काम करता है। उसके बाद जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ बनाए, इच्छा से चलता है। ये पूरी सृष्टि इच्छा पर आधारित है, संकल्प पर आधारित है। आप देखते हो जब एक आप इच्छा करते हो, कोई आप एक इच्छा करते हो, पीछे स्मृतियों का पिटारा खुल जाता है। जैसे आपने सोचा केवल कि अभी जो है मैं नमकीन खानी है, एक विचार आया नमकीन खानी, उसके बाद दूसरा आएगा कौन सी नमकीन, पिटारा खुला, आप स्मृति का पिटारा खुला। कभी किसी कंपनी की खाई होगी, कभी किसी कंपनी की खाई होगी, कभी किसी दुकान वाले की नमकीन खाई होगी, ध्यान आएगा उसका, नहीं वो तो काफ़ी दूर है, तो पास में कौन है, तो ये है, ऐसे तमाम विचार चलने लगेंगे। इच्छा के चारों ओर विचारों का एक चलने लगता है सर्कस चालू। जो विचार चलने लगते हैं उसके अनुसार आपको अंदर आस्वादन आने लगते हैं, इसकी खाई थी ये वाला स्वाद है ना, ये वाला मिलता है, ये वाला स्वाद ज़्यादा अच्छा है, आस्वादन चलता मन में। तो इच्छा विचार आशाएँ आपके चित्त में, आपके वृत्ति में, आपके मन में घूमती रहती, और इन तीनों में जब चयन होता है तो बुद्धि इसका चयन करती, इसका चयन बुद्धि करती है बाद में, कौन सा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो दूर है कोई बात नहीं, ये पास में ये वाला ले आओ, इससे खा लेते हैं, आज यही खा के चलाते हैं। लेकिन आपका जितना भी चुनाव है
वो आपके पिछली स्मृतियों के आधार पे है। फला दुकान की नमकीन आई थी, बहुत खराब थी, वहां से मत लाना, स्मृति पड़ी पीछे। शादी का एक कार्ड आता है, फला के यहां शादी जाना है, आप कार्ड देखते हो, अच्छा, अरे बकवास आदमी है ये, खुल गया पिटारा पीछे, स्मृतियों का पिटारा खुला, इसने ये गड़बड़ किया था, इसने वो गड़बड़ किया था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, अरे इसके यहाँ नहीं जाना, टाइम फालतू नहीं, व्यवहार भिजवा दो, जाओ मत। किसी अन्य का कार्ड आता है, प्रिय है, आपका स्मृति खुलता है पिटारा, अरे ये तो हमारे बहुत क्लोज है, हमारी फलां जगह मदद की थी, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा हमारे साथ में रहे, और बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, सज्जन आदमी है, हाँ इसके यहाँ जाना है, कैसे चुनाव किया, पीछे पड़ी हैं स्मृतियाँ। आप अपनी स्मृतियों के आधार पर ही चुनाव करते हैं। ध्यान रखो, ये जो मंत्र दीक्षा आप ग्रहण करने जा रहे हो, ये अनायास नहीं है, इसके पीछे भी स्मृतियाँ पड़ी थी आपके पूर्व जन्मों की, जिसके आधार पर आपने चयन और आस्वादन के आधार पर चुनाव किया है कि बाबा से मंत्र दीक्षा लेके बाबा के शिष्य बनना। बिना स्मृतियों के कुछ भी नहीं, स्मृतियों के आधार पर ही हम चुनाव करते हैं। कोई भी चुनाव, अच्छा हो या बुरा हो, चुनाव हमारा स्मृतियों के आधार पर है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। स्मृतियां हमारे जीने का आधार हैं, स्मृतियां हमारे जीवन यात्रा को सुगम भी बनाती हैं और दुर्गम भी बना देती हैं। स्मृतियां हमें अच्छा भी रखती हैं, स्मृतियां हमें खराब भी कर देती हैं। स्मृतियां अच्छा स्वास्थ्य देती हैं और स्मृतियां खराब बीमारी भी देती हैं। तो स्मृतियों के आधार पर आपने चुनाव किया है कि हमें अब बाबा के भक्त से बाबा का शिष्य बनना है। दरवाजा आपका खुला, आपका रास्ता खुला और बाबा के आलिंगन में आप सब एक साथ समाये हुए हो अपनी अपनी स्मृतियों के आधार पर। तो आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत इस निर्णय में। दरबार आपके साथ है, जिसलिए आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया उसमें आपका स्वागत है, और सभी को शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ सकें जिसके लिए आपने जन्म लिया है, और आगे जा सकें, तंत्र दीक्षा में भी जा सकें, और 21 लेवल तक आप उसको पार कर सकें और पूर्ण हो सकें, जैसे कि बाबा पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही, जैसे बाबा हैं माँ हैं, तो पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही आप पूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा पूर्ण होने का कोई उपाय संसार में उपलब्ध नहीं है, अपूर्णता ही रहेगी। नमस्ते, हर हर महादेव। हमारे करुण शंकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। यस्याग्रे द्राट द्राट दुद दुद ममलम टन 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 टम डमसम डमसम डुडमसम डुई डुई चकितम भूपकम भूयनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुमम कम ककम कम ककम कम यायसे विप्रगाहे संसति सवल पादुवच दचूरम। देखिए सब, ये हमारे कलु शंकर महादेव है। हमारे महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही जो बाबा के भक्त यहाँ बैठे हैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही जो विदेशों से भक्त आए हैं हमारे बाबा के, उन्हें भी हमारे भारत में सादर आमंत्रण और कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही जो YouTube में हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सुप्रियो चौधरी है, मैं शंकर सेना आसाम अध्यक्ष और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बोल रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अरुण पाल है, जो आनंदमय ज्योतिष महाविद्यालय के प्रिंसिपल, साथ ही इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर है। साथ ही अन्य बोर्ड मेंबर्स डॉक्टर दीपामानी तालुकदार और डॉक्टर गौरव रावरी हमारे साथ उपस्थित है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हर वर्ष भारत में होता है और इस बार हमारे आसाम प्रदेश के गुवाहाटी में ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम नवम्बर 15, 16, 17, 2024 को होगा। इस कार्यक्रम में हमारे भारत के सीएम से लेकर गवर्नर तक सभी आमंत्रित है। साथ ही पूरे दुनिया से अनेकों एस्ट्रोलॉजर्स और प्रसिद्ध महावास्तु स्पेशलिस्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में हम अपने बोर्ड मेंबर के साथ हमारे करुणशंकर महादेव को एज ए चीफ गेस्ट वहां में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं
कि आप हमारे महादेव आसाम आए, हमें एक संदेश दे और साथ ही हमें आशीर्वाद दे कि हम लोग ये कॉन्फ्रेंस बढ़िया से कर पाए और अपने स्मृति महाविज्ञान के से जो आप हम लोगों के कष्ट को उतार रहे हैं, अनेकों ज्योतिषी वहाँ उपस्थित रहेंगे, उन्हें भी आप इस ज्ञान से सबको आशीर्वाद दे और हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसी के संदर्भ पे हम अपने इनविटेशन लेटर आपको देना चाहते हैं कि आप आए हमारे आसाम और हमारे आशीर्वाद दे और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हर हर महादेव, करुणाशंकर महादेव की जय। पूज्य पूर्ण गुरु पंडित श्री राधारमन जी मिश्र की जय। पूज्य गुरु माता कामरू कामाख्या की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। शंभु हरि हर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पॉल सुप्रियो और साथीगण सभी। दरबार आपके इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता है और कोशिश करेंगे कि हम आपके सम्मेलन में जरूर आएं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें निमंत्रण दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति, हर संगठन, हर समुदाय, राष्ट्र और सारे संगठन मिलकर कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सबका शुभ करने का ही लक्ष्य है, शुभ करना ही सबका लक्ष्य है। ये अशुभ कहाँ से हो जाता है? हर साल रावण मारा जाता है, ये पूरे साल रावण जिंदा कैसे रहता है? आवश्यकता उस रावण को जलाने की नहीं है जिसे आप मनोरंजन के रूप में जलाते हैं, तो वो केवल मनोरंजन ही रह जाता है, उसके पीछे दिखता कुछ नहीं। असल में जो आवश्यकता है वो सबसे बड़ी ये है,
जो रावण बन के बैठे उन्हें ही नहीं पता कि रावण है। उन्हें ही नहीं पता है, रावण को भी नहीं पता था कि वो रावण है। अगर ये पता होता कि इतनी बदनामी मिलेगी रावण को, तो सीता हरण ही नहीं करते बेचारे, वो सीता हरण नहीं करते। हर आदमी हर काम को अच्छा मान के करता है, ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी एक कह लीजिए कि बीमारी कह लो, और चाहे उसकी आदत कह लो। चोर भी चोरी करता तो जस्टिफाई किए रहता है उसको, इसके यहां चोरी करेंगे, इसने सबका माल मारा है, बहुत इसने चूसा है लोगों को, इसी के यहां चोरी करते हैं, जस्टिफाई किए हुए कि ये आदमी डकैती डालता सबके यहां, इसके हम चोरी करेंगे, तो इसके यहां चोरी करना अपराध नहीं है, अपने अपने हिसाब से जस्टिफाई किए रहता है। ये जो जस्टिफिकेशन है कहां से आता है, ये परिस्थितियां नहीं है जो जस्टिफाई करता है आदमी, ये स्मृतियां हैं जिसके आधार पे आदमी अपने आप को जस्टिफाई किए रहता है, गलत को भी सही मान के गलत काम करता रहता है, जीवन भर गलत काम करता है और सही मान के करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला मैं आज तक जो गलत काम को गलत मान के करता रहा हो, कर ही नहीं सकता। गलत काम को सही मान के करना ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है, जबकि मनुष्य का स्वभाव ये बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है सही को मानना, मान करके जांचना और जांच करके अपने आचरण में लाना, आ ही जाएगा आचरण में, जांचता है, असली स्वभाव तो ये है, लेकिन स्मृतियां उसको जांचने नहीं देती, स्मृतियां उनको सही का ज्ञान नहीं होने देती, फिर आदमी गलत ही करता रहता है। मेरे सामने कितने लोग रोज आते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते हुए आते हैं, माता पिता बच्चों में तनाव देखते सामने रहते हैं, कैसे कैसे जीते हैं लोग, जी नहीं पाते, आप सब उन चीज़ों से निकल के आए हैं। जैसे स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, आपसे अच्छा बच्चा कोई नहीं, आपसे अच्छा माता पिता कोई नहीं, आपसे अच्छा पति पत्नी कोई नहीं, तो सारी स्मृतियों के आदमी दास हैं। स्मृतियों के कारण ही हम खराब, स्मृतियों के कारण, जो खराब स्मृतियाँ हैं उनके कारण हम समस्या में ग्रस्त रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और गलत को सही मान के करते रहते हैं। जिस दिन ये स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और आप होते हो सिर्फ, तो आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ये सही है और ये गलत है, फिर आप सही का चुनाव करते हो और सही रास्ते पर चलते हो। जैसे आपने अपने को बाबा से मंत्र दीक्षा के लिए अपने को तैयार किया, सही की इच्छा का चुनाव किया, तो ये सही की इच्छा का चुनाव कर तब कर पाए अब जब गंदगी गई, स्मृतियाँ नष्ट हुई। जब तक वो नष्ट नहीं होती तब तक हम गलत को सही माने रहते, अरे चलो देखा जाएगा, अभी बहुत उम्र लंबी पड़ी है, ऐसे कर करके बहुत लोग समय काट देते हैं। बहुत ये भी देखा मैंने इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में देखते हैं, अपने देश में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ लोगों को गुरु बनने का बड़ा शौक है, गुरु बनने का शौक बहुत ज़बरदस्त है, गुरु कहलाने का ही बहुत शौक है, शिष्य बनने नहीं चाहता कोई, और 90% शिष्य इसीलिए बनते कि हमको गुरु बनना है। भैया आप पहले से ही गुरु हो, स्मृतियां हटाओ गंदी, आप गुरु हो ही, आप केंद्र में ही हो। जब तक स्मृतियां रहती हैं आप परिधि पर नाचते रहते हैं, बार बार परिधि पर नाचने वाला शिष्य है, केंद्र में पहुंच जाने वाला गुरु है, तो आप तो पहले से गुरु हो। गुरु बनना नहीं है, गुरु तो होना है, गुरु एक बार होना घटना है, गुरु बनता थोड़ा ना है कोई, ना गुरु बन सकता है कोई, ना गुरु बना सकता है, गुरु तो होता है, गुरु होना है, गुरु एक घटना है होना, गुरु बनने का कोई चांस नहीं है। जहां गुरु बनने का प्रयास किया फंसे, पता लगा शिष्य भी नहीं बचे। मैं बहुत देखता हूँ दरबार से दो चार नाम आते रहते हैं, बिल्कुल दंड लेके बैठ रहा है, आजकल छड़ी लेके घुमा रहा है, अब कहते बहुत अच्छा कर रहा, वो पहले ही गुरु बन गया है, बने बनाए गुरु था पहले से ही, उसको केवल नकल करनी। बहुत लोग करते दरबार की नकल, आप देखो तमाम यूट्यूब पे कैसे लोग नकल करते हैं दरबार की,
दरबार की बहुत नकल करते हैं। मैं कहता हूं चलो कुछ तो कर रहे हैं बेचारे, लोग वहां जाएंगे धक्के खाएंगे फिर लगेगा गलत जगह आ गए, फिर सही जगह ढूंढेंगे, अच्छे कर्म होंगे तो बाबा का दरबार मिल जाएगा, उन्हें रास्ता मिल जाएगा, कम से कम ढूंढने में तो उसका यात्रा चालू रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, अधगल बोलते क्या, अधजल गगरी छल कट जाए, अधूरा ज्ञान खतरे जान, बहुत खतरा है अधूरे ज्ञान में। तो जो अधूरा ज्ञान है न इस पार जाने देता वापस, न उस पार जाने देता वापस, चतुर लोग जो होते हैं आपका दुरुपयोग करते हैं और आनंद करते हैं, मजे करते हैं। बहुत लोग हैं उनका दिन भर देखो यूट्यूब पे भाषण आ रहा है, उनका मुंह नहीं बंद हो रहा है, बोल रहे हैं मेरे 22 रोग हैं 25 रोग हैं मरे जा रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं बंद हो रहा है, जो मर्जी परोसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं बकर 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 दिन भर। भैया मुंह में काहे नहीं इनकी दिक्कत हुई आज तक, मुंह में दिक्कत नहीं होती, बाकी सब में दिक्कत है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लीवर जा रहा है, पेंक्रियास जा रहा है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन बक 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 नहीं बंद हो रही है, उल्टी किए जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ताली बजाने वाले खाली बैठे हैं, उनका काम ताली बजाना है, कुछ भी बोले। एक हम कथा सुनते थे, एक यहाँ जेके मंदिर है, वो जरा सी कोई बात बोलते थे, जरा सी एक लाइन बोले तो ऐसा ऐसा हुआ, राधे 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 बीच बोले चिल्ला रहे लोग, फिर वहां गए राधे राधे राधे। अरे भैया उनको बात तो करने दो यार, पूरी हर बात पे राधे। तो कुछ लोगों का है वो साथ में ढोल के साथ मजीरा बोझता ना, बगैर मजीरा के ढोल भी काम नहीं आता, मजीरा चंग 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 कैसे ही बज रहा। एक सुनने जाते थे उनका कोई बात करें तो हर चीज़ तकिया कलाम है। तकिया कलाम सुना है कैसे होता है, तकिया कलाम मालूम क्या होता है? नहीं, तकिया कलाम ऐसे होता है, हमारे एक मिलने वाले मित्र जो अक्सर आते थे तो उनकी हर बातचीत में होता था, हम वहाँ गए थे समझे, मतलब है जो कि फिर हमको मिल गए, मतलब है जो कि अभी बात हुई चाय पिलाए बड़ा मजा है, मतलब है जो कि। तो उनका जो मतलब है जो कि जो है हर वाक में 2-3 बार आता था, तो हमने उनसे 1-2 बार टूका, अरे भैया ये जो मतलब है जो कि अगर हटा दो तो उसकी जगह और कुछ भी आ सकता है। तो बड़े बेचारे नाराज हो गए हमसे, बोले हम तो कुछ बोलते नहीं ऐसा। अच्छा हमने कहा तो ठीक है, बेहोशी में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बोलते ही नहीं, बस बेहोशी में बोले जा रहे हैं। तो मतलब है जो कि एक सज्जन आते थे बोलते थे देखो हैं हम वहाँ चले गए देखो हैं वहाँ मिला बातें ले गया देखो, तो अब उनकी तरफ देखो बार 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 देखे क्या दिखा रहे हैं, लेकिन उनका बेहोशी में बोल रहे हैं देखो। एक हमारे पड़ोस में एक बुआ रहती थी, उनका नाम था राम श्री बुआ थी, तो महिलाओं से उनको हम बात करते छोटे थे सुनते थे, तो कहती बहनी कहो हाँ हाँ, तो हम सोचते थे कि सामने वाला हाँ तो कर ही नहीं रहा, तो हर बातें बोलती थी, देखो काल तुम्हारे हमारा तुम्हारा कुत्ता जो है हमारी चप्पल चुरा ले गया, कहो हाँ। हम सवेरे उठे देखा चारपाई नीचे हमारी चप्पल नहीं थी, कहो हाँ। और फिर देखो झगड़ा हो जाएगा, कहो हाँ। तो कहो बेहोशी, एक बेहोशी होती, बेहोशी में ही बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये लोग बेहोशी में बोल रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग खराब हैं, लेकिन बेहोशी में इतना लंबा लंबा बोले जा रहे हैं, इतना लंबा बोले जा रहे हैं, कथा किए जा रहे हैं पूरी, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत अच्छा, वहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत खराब है, तीसरी जगह बता रहे हैं केले खाने से कैंसर हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाहते हैं लोग, लेकिन कहे जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो हाँ में हाँ मिलाना भी जैसे पागल होता है ना, पागल तो पागल के साथ पागल झगड़ा करे
या पागल के साथ बैठ के आदमी झूठ मूठ में खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो परोस रहा है, वो खा रहा है कुछ नहीं, परोसे जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। तो ऐसे मिल करके ढोल के साथ ही डंडा, बगैर ढोल डंडे के बगैर बजता नहीं है, डंडा मतलब पीट पिटाई हो। तो बेहोशी में बोले जा रहे हैं, लोग बेहोशी में चले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं जो किताबों में लिखा है, रटे हुए हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थक नहीं रहे। और बेचारे जो सुन रहे हैं वो भी नहीं थक रहे, विडम्बना तो ये भी है, वो भी नहीं थक रहे, क्योंकि सुनाए कौन, सुने कौन, परंपरा में होता आया ऐसा। तो प्रवचन होते हैं, प्रवचन जितने भी होते हैं, प्रवचन का मतलब यही है, जिस आदमी को अनुभव हुआ है जीवन में, जीवन में उसने अनुभव किया है, जब वो बात तो बोलता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अनुभव किया है, उस अनुभव की बात जब किसी को बोलता है तो उसे प्रवचन बोलते हैं। प्रवचन मतलब प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे हुआ? उसके अनुभव से, किताब से पढ़ के बोल रहे हैं, वो सूचना है, अनुभव नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज में इन्फॉर्मेशन में बड़ा फर्क है, सूचना में और ज्ञान में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं, सूचना आप उपलब्ध करते हैं अपने लिए, और ज्ञान में आपको उपलब्ध होना पड़ता है, ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। एक में मिट जाना है पूरा पूरा, और एक में अंबार लगा लेना है ढेरी सिर के ऊपर। तो मिटने के लिए तैयार रहो, यह आपकी पहली सीढ़ी है। क्या मिटाना है? दो सबसे खतरनाक चीजें हैं जो मिटानी है, ये ध्यान रखो। दो चीजें सबसे खतरनाक हैं इस संसार में। कल हम बच्चों से चर्चा कर रहे थे, आपको जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं जिसको हम लोग, ये 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इस कलयुग में दो सबसे बड़ी खतरनाक चीजें हैं, अगर इनसे आप मुक्त हो गए तो मोक्ष आपका क्षण भर में है, और इनसे मुक्त नहीं हुए आप तो ये मोक्ष आपके लिए सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी, वो सीढ़ी है मोह की, मोह। और दूसरी जो सीढ़ी है उसका नाम है अहंकार। आप जब सीढ़ी चढ़ने लगते हैं ना, पहला कदम रखा मोह, चिपक गए, फेविक्विक जाम हो गए, दूसरा है अहंकार, फेविक्विक जाम, अब आप कहीं के नहीं बचे, अब वहीं हिलते डुलते रहिए। आप आंख बंद करके हिलते रहो, आपको लगेगा कि आप यात्रा कर रहे हो हवाई जहाज में। ये दो कदम शुरुआत की सीढ़ी में जो लगा है ना, फेविकोल, वो फेविक्विक लगा है, फेविकोल नहीं है, फेविक्विक, मोह और अहंकार का, कलयुग के सबसे बड़े दोष। इनसे मुक्ति कैसे पाया जाए? कैसे मुक्ति पाएंगे मोह से और अहंकार से? मोह छूटता नहीं, अहंकार बने रहता है। हम जो अपने कपड़े पहने रहते हैं ना, उसी का अहंकार बना रहता है। और तो छोड़ो, धन संपत्ति तो बाद में आएगी, अपने कपड़े का ही अहंकार रहता है, उसी में मोह रहता है ना। जिस दिन आप कपड़ा पहन करके भी अपने को वस्त्र विहीन देखने लगेंगे, उस दिन आप इन दोनों सीढ़ी से मुक्ति पा जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। छोटा सा सूत्र है, यहीं से शुरू करना। कपड़ा पहनकर भी अपने आप को वस्त्रविहीन महसूस करना। आपकी अहंकार की और आपकी मोह की परतें उधड़ जाएंगी,
जिस दिन आप इसे ठीक से देख पाए, इस भाव को आप स्थिर रख पाए, उसी दिन आप समझ लीजिए आप सही रूप में साक्षी हो जाएंगे, आप दृष्टा होने लगेंगे आप, और बहुत कुछ आप देखने समझने लगेंगे। और जिस दिन अपने कपड़े पर मोह बना रहे, अहंकार बना रहे, मेरा कपड़ा उससे ज्यादा अच्छा, तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद, समझ लेना दोनों पैर फेविकोल पे नहीं फेविक्विक पे चिपके हुए हैं, कोई गति नहीं। गति साक्षी भाव में होगी, दृष्टा भाव में होगी। तो आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा करेंगे आप जीवन में। आप में से कम हम आशा करते हैं कि 10% लोग तो जरूर आपके 20 से तंत्र के 21वें पावदान को टच करेंगे, प्राप्त करेंगे। सारा खेल दृष्टि का है, सब दृष्टि का खेल है। बोलते हैं बुजुर्ग लोग, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सारा खेल ही दृष्टि का है। हमारे इस देश में जितना काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उन सब ऋषि मुनियों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं जिनकी हम संतान हैं। कि उनका ऋण कभी भी चुका नहीं पाएंगे हम, जो उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम ये जानते हैं इस मनुष्य जीवन में, इस जीवन यात्रा में पूर्ण गुरु कृपा की दीक्षा लेना आवश्यक है। इस लायक तो बना दिया, ये दीक्षा लेना बहुत जरूरी है और पूर्ण गुरु से मिलना जरूरी है। इस लायक तो बना ही दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, बाकी सब अपने कर्म के आधार पर, सब आपके कर्मों के अधीन है। और हम ये आशा करता हूँ कि आप सभी बाबा माँ के बताए रास्ते पे चल के बहुत अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने को, अपने परिवार को, अपने कुल का नाम रोशन कर पाएंगे और सभी को अच्छे से आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश देके जाएंगे कि जैसे आपने जीवन को अपनाया, आचरण में वो भी लाएं, पिछली पीढ़ियां भी जो अगली पीढ़ियां आएं पिछली पीढ़ियों का अनुसरण करें, और जैसे आपने अच्छा अच्छा जीवन जिया है वैसा आपके पीछे आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वो अच्छा जीवन जिएं। और जिसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य यात्रा, मनुष्य शरीर की यात्रा शुरू हुई है, वो लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएँ आप सभी को हैं कि आप और आपका परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न हो और सही दिशा को प्राप्त हो। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे आप ध्यान अपने घर में भी कर सकते हैं, YouTube में संगीत पड़ा हुआ है जिसको सुनते हुए आप ध्यान कर सकते हैं आराम से, रोज कर सकते हैं। इसके बाद अब दीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी दरबार के सेवक आपको सब व्यवस्थित करेंगे और एक एक करके दीक्षा के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। हरिहर।
राधे रम मधुरम वदनम मधुरम